एक और कॉलर लेते हैं, हमारे साथ हैं कौशलेंद्र दीक्षित कानपुर से। कौशलेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास टीसीएस की 40 3250 टारगेट प्राइस मेरा 3600, तो मुझे स्टॉपलॉस कितने पे लगा लेना चाहिए? 3600 का टारगेट रखा आपने? जी जी जी। ये कैसे निकाला आपने 3600 का टारगेट? सर टारगेट निकाला नहीं सर, अपने हिसाब से मैंने सोच के कि पिछला देख के कि 3635 गया था, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा 3600 के हिसाब से मैंने टारगेट फिक्स किया, इतना 2 साल के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ओके सर्वेंद्र, 3600 का टारगेट अपने दिमाग में रखा है इन्होंने, कौशलेंद्र ने, और 3250 इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वहाँ से 200 रुपये लगभग नीचे है। क्या राय बनती है आपके लिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और लक्ष्य कब तक हासिल हो सकता है? देखिए बहुत ज्यादा क्लियर व्यूज मेरे इसमें नहीं बन पा रहे हैं, तो मोटा मोटी मेरा थॉट ये रहेगा कि फिलहाल ट्रेड को 1-2 दिन होल्ड कर लें और 1-2 दिन में रिव्यू कर लें, बट यहाँ पे मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा है अभी। मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू से क्या मतलब, स्टॉप लॉस लगा के निकल लें क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। मतलब आईटी आपको अच्छा नहीं लग रहा? देखिए आईटी में भी प्रेशर है, और मैंने बोला ना जिस तरह से ये अब तक क्रूशल है, अभी जिस तरह से ओवरऑल यूएस मार्केट्स और नैस्डैक में जिस तरह से ब्रेकडाउन आए हैं गए हफ्ते में, आई थिंक कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है अगले 5-7 दिन के लिए। बट अगर 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 दायरा बढ़ा सके और अगर इनके पास डिलीवरी रखने की अगर 9-12 में ताकत है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस करके निकल जाने के टाइमिंग के लिए इस हफ्ते के लिए। तो भैया कौशलेंद्र जी, अगर आप 9 से 12 महीने या साल 1.25 साल तक रख सकते हैं तो बने रहिए डिलीवरी में, अदरवाइज फिर आप स्टॉप लॉस यूज करिए।